ओम शांति। ओम शांति। वाणी चल रही थी। द वाणी दैट वाज बीइंग नरेटेड 26 जून 1968 का प्रातः क्लास वाज द मॉर्निंग क्लास डेटेड 26 जून 1968। तीसरे पेज के मध्यादि में बात चल रही थी। द टॉपिक being discussed in the beginning of the middle portion of the third page was ईश्वरीय प्रसाद तुम बच्चों को मिलता रहता है। You children keep receiving the godly prasad blessings। ये ईश्वर का रचा हुआ यज्ञ है। This is a yagya created by God। तो ईश्वरीय प्रसाद मिलता रहता है। So you keep receiving godly prasad। और ये प्रसाद इतना महत्वपूर्ण है जो जन्म जन्मांतर के लिए हो जाता है। And this prasad is so important that it becomes yours for many births। प्रसाद प्रसन्नता को कहा जाता है। Joy is called prasad। और ये प्रसन्नता का प्रसाद एंड दिस प्रसाद ऑफ जॉय रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही मिलता है। इज ऑब्टेन्ड ओनली थ्रू द रुद्र ज्ञान यज्ञ दैट इज द यज्ञ ऑफ द नॉलेज ऑफ रुद्र। क्योंकि खुद रुद्र आकर के इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। बिकॉज रुद्र हिमसेल्फ कम्स एंड सिट्स इन दिस वन एंड क्रिएट्स द रुद्र ज्ञान यज्ञ। आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। He creates the रुद्र ज्ञान यज्ञ after coming। कहाँ से आते हैं? From where does he come? परम धाम से। तो और रुद्र नहीं आता है। रुद्र does not come from the supreme abode। क्योंकि रुद्र तो रौद्र रूप धारण करने वाले को कहा जाता है। Because the one who assumes a fierce form, Rudra Roop, is called Rudra। परम धाम से तो शिव आता है जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है। It is Shiv who comes from the supreme abode। The name of his point, that is soul itself, is Shiv। शरीर बदलते जाते हैं तो नाम भी बदलते जाते हैं। When the bodies change, the names also keep changing। शिव तो कल्याणकारी है। शिव इज benevolent। और रौद्र रूप क्यों धारण करता है? Why does he take a fierce form? क्योंकि रावण राज्य में संसार की इतनी दुर्गति हो जाती है। It is because in the kingdom of Ravan, रावण राज्य, the world undergoes such degradation कि रुद्रावतार गाया हुआ है। That the incarnation of Rudra is famous। इसलिए वो शिव जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। This is why when Shiv changes body, the name changes। नाम पड़ता है रुद्र। He gets the name Rudra, जिसे रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। Which is called रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ के आदि में ही इसका बीज रोपण हुआ। Its seed was sown in the very beginning of the यज्ञ। और आदि में भी बीज रूप स्टेज धारण करके और रौद्र रूप भी धारण किया। And even in the beginning, he took a seed form stage as well as a fierce form। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को पढ़ाई भी कहा जाता है। This रुद्र ज्ञान यज्ञ is also called a study। तो रुद्र शिव बाबा ही है। So शिव बाबा himself is रुद्र, जो ज्ञान का सागर है। The one who is an ocean of knowledge। उसने ही ये यज्ञ रचा है। He himself has created this यज्ञ। ये कोई मेटेरियल यज्ञ नहीं है।
दिस इज नॉट अ मेटीरियल यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है। इट इज अ यज्ञ ऑफ नॉलेज, ज्ञान देने के लिए रचा है। इट हैज बीन क्रिएटेड टू गिव नॉलेज। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ अक्षर बिल्कुल ठीक है। सो दीज वर्ड्स रुद्र ज्ञान यज्ञ आर एब्सोल्यूटली करेक्ट। राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। लिटरली राजस्व रूल ओवर सेल्फ, अश्वमेध अवैदिक हॉर्स सैक्रिफाइस, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ इम्पेरिशेबल यज्ञ ऑफ नॉलेज ऑफ रुद्र। हियर रुद्रस इम्पेरिशेबल यज्ञ ऑफ नॉलेज टू अचीव सेल्फ रूल बाय गेनिंग विक्ट्री ओवर अवर हॉर्स लाइक माइंड। स्वकाराज्य लेने के लिए यज्ञ रचा गया है। दिस यज्ञ हैज बीन क्रिएटेड टू अचीव द रूल ओवर द सेल्फ स्वराज्य। तो स्वकाराज्य पाना है। सो वी हैव टू अचीव सेल्फ रूल। समझ में आता होगा इनको यज्ञ क्यों कहते हैं। यू वुड अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज कॉल्ड अ यज्ञ। यज्ञ में तो आहुति दी जाती है। ऑफरिंग्स आर मेड इन द यज्ञ। वह लोग जो आहुति डालते हैं, व्हेन दोज पीपल गिव ऑफरिंग्स, वो तो स्थूल आहुतियां डालते हैं। दे पुट मटेरियल ऑफरिंग्स, बहुत कुछ डालते हैं। They put many things. जो भी डालते हैं सारा ही कीचड़ पट्टी। Whatever they put are all wasteful things. तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो। You study knowledge. आहुति क्यों डालते हो। Why do you put offerings? क्योंकि तुम जानते हो कि हम पढ़ करके जब होशियार हो जाएंगे। बिकॉज यू नो व्हेन वी स्टडी एंड बिकम क्लेवर, तो सारी ये कीचड़पट्टी की दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। दिस एंटायर वर्ल्ड ऑफ गार्बेज विल बी सैक्रिफाइस्ड इन इट। यज्ञ जब रचते हैं तो पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री होती है आखिरी आहुति में सब डाल देते हैं। When a yagya is organized, whatever material remains in the end is put in the last ahuti, burnt offering. उसे शंकर की आहुति माना जाता है। It is considered as an offering of Shankar. अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि हमको बाप पढ़ाए रहे हैं। Now you children know that the father is teaching us. अब पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए। Well, a mouth is needed to teach. तो कौन से मुख से पढ़ाते हैं? So, through which mouth does he teach? अभी बाप हमको पढ़ाते तो है ना? Now, the father teaches us, doesn't he? परंतु बाप तो बहुत साधारण है। But the father is very ordinary. इतना साधारण है कि मनुष्य जान नहीं सकते। He is so ordinary that human beings cannot know. मनुष्य बिचारे क्या जाने? How can the people, the poor fellows know? दुनिया में जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनकी तो बहुत महिमा होती है। The big personalities of the world are praised a lot. और बाप देखो कितना साधारण बैठा हुआ है। And look, the father who is sitting is so ordinary. तो मनुष्यों को कैसे पता लगे? So, how can people know? और यह दादा तो जवाहरी था। And this dada was a jeweler. ये तो बड़ा आदमी था। This one was a big personality. फिर भी शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती। Even so, no power is seen.
सिर्फ इतना ही कह देते हैं, इनमें कोई शक्ति काम कर रही है, बस। They just say there is some power working in them. That is all. ये नहीं समझते हैं कि इनमें सर्वशक्तिवान बाप है। They do not understand that the Almighty Father is present in them. तो बाप गुप्त वेश में आते हैं। So the father comes in a secret form. परंतु इनमें गुप्त शक्ति है। But there is a secret power in these ones. और वो भी आई कहाँ से? And where did that to come from? वो शक्ति तब आई जब बाप ने प्रवेश किया। That power came when the father entered. तो बाप का जो खजाना है वो ऐसे थोड़े ही देते हैं। So the father does not give his treasure simply. तुम सारा खजाना योग बल की शक्ति से लेते हो। You obtain the entire treasure through the power of yoga, yog bal. योग किसे कहा जाता है? What is yog? योग माना लगन, लगाव, अटैचमेंट। योग मीन्स डिवोशन, अटैचमेंट। जितना जिसका अटैचमेंट होता है, बाप के साथ लगाव होता है, लगन होती है। द मोर समवन हैज अटैचमेंट विद द फादर, द मोर समवन इज डिवोटेड। उस लगन के आधार पर उसे शक्ति मिलती रहती है। He keeps receiving power on the basis of that devotion. और जन्म जन्मांतर की शक्ति मिलती है योग बल से। And the power for many births is received through the power of yoga. क्योंकि वो तो सर्वशक्तिवान है ही। Because he is indeed almighty. और उनकी शक्ति कहीं चली नहीं जाती है। Moreover, his power does not go anywhere. परमात्मा को सर्वशक्तिवान क्यों कहा जाता है? Why is the supreme soul called almighty? क्यों गायन है सर्वशक्तिमत्ता का? Why is the state of being almighty, सर्वशक्तिमत्ता, praised? ये भी कोई जानते नहीं है। Nobody knows this either. क्योंकि स्वदर्शन चक्र देहधारी कृष्ण को दे दिया है। Because the bodily being Krishna has been given the Swadarshan Chakra, the discus of self-realization. और वह कृष्ण उस चक्र से क्या करते हैं? And what does that Krishna do with that chakra? दिखाते हैं सभी का गला काटते रहते हैं। It is shown that he keeps cutting everybody's neck with it. तो क्या भगवान बाप बैठे हिंसा करते हैं? So, does God the Father indulge in violence? ये तो देह अभिमान रूपी दुम्ब है जो आत्मा के साथ लगा हुआ है। This is body consciousness in the form of a tail which is attached to the soul. तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि स्वदर्शन चक्र से देह अभिमान का गला काट दिया। So it is shown in the path of bhakti, devotion, that the neck of body consciousness was cut with the discus of self-realization. सिख लोगों ने भी स्वदर्शन चक्र को कॉपी किया है। Sikhs have also copied the Swadarshan Chakra. लड़ते हैं तो चक्र से गला काट देते हैं। When they fight, they behead others with the discus. तो भक्ति मार्ग में स्वदर्शन चक्र हथियार के रूप में समझ लिया है। So, in the path of bhakti, Swadarshan Chakra has been considered as a weapon. वास्तव में ये कोई स्थूल हथियार नहीं है। Actually, it is not a physical weapon. इसका नाम ही है स्वदर्शन चक्र। Its very name is Swadarshan Chakra. स्व माने आत्मा। स्व मीन्स द सोल। दर्शन माने देखना।
दर्शन मीन्स टू ऑब्जर्व. चक्र माने 84 का चक्र. चक्र मीन्स द साइकिल ऑफ 84 बर्ड्स. 84 के चक्र में अपनी आत्मा की स्थिति को देख लेना, भाप लेना. टू ऑब्जर्व टू रियलाइज द स्टेज ऑफ आवर सोल इन द साइकिल ऑफ 84 बर्ड्स. रावण ने चक्कर चलाए दिया काम कटारी का. रावण हर्ड द डिस्कस ऑफ द डैगर ऑफ लस्ट काम कटारी. तो वो भी कटारी हथियार समझ लेते हैं. सो दे टू थिंक इट इज अ डैगर अ वेपन. ये सभी प्रकार की हिंसक निशानियाँ रख दी हैं. दे हैव डिपिक्टेड दीज वेरियस काइंड्स ऑफ वायलेंट सिंबल्स. बाप तो आकर समझाते हैं. द फादर कम्स एंड एक्सप्लेन्स. हिंसा तो बाहुबलियों का काम है. दैट वायलेंस इज अ वर्क ऑफ दोज विद फिजिकल पावर. और तुम तो डबल अहिंसक हो. बट यू आर डबल नॉन वायलेंट. स्थूल हिंसा भी नहीं करते हो. यू नीदर इंडल्ज इन फिजिकल वायलेंस. और काम कटारी की हिंसा भी नहीं करते हो. Nor in the violence through the dagger of lust. तो बाप आकर सभी बातें समझाते हैं, पढ़ाते हैं. So the father comes and explains everything. He teaches. ये भी बताते हैं. He also says कि मैं आकर जिसमें प्रवेश करता हूँ इनमें तो देह अभिमान की पूरी कट चढ़ी हुई है. The ones in whom I come and enter are completely covered by the rust of body consciousness. पूरी माने? औरों में तो परसेंटेज कम है. Completely means the percentage of body consciousness is less in others. लेकिन इनकी तो परसेंट सबसे जास्ती है. But the percentage of body consciousness in these ones is maximum. इसलिए इनमें कहा. This is why it was said in them. इसमें भी नहीं कहा. It was not said in this one. इस सृष्टि रूपी रंगमंच के दो ही मुख्य पार्ट धारी हैं, हीरो और हीरोइन के रूप में. There are only two main actors on this world drama stage. In the form of a hero and a heroine. ये मुख्य आत्माएं हैं. These are the main souls. राम और कृष्ण की आत्माएं हैं. These are the souls of Ram and Krishna. आदि के जन्म में ये 100% सत्व प्रधान बनती है. In the first birth, they become 100% सत्व प्रधान, meaning consisting in the quality of goodness and purity. और अंतिम जन्म में 100% तमो प्रधान भी बनती है. And in the last birth, they also become 100% तमो प्रधान, dominated by darkness or ignorance. तो इनमें ही मैं प्रवेश करता हूँ. So I enter only in them. किस रूप में प्रवेश करता हूँ? In which form do I enter? ये सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन ही माता पिता हैं. The hero and heroine of this world stage themselves are the mother and the father. तो एक में माता के मृदुल रूप में प्रवेश करता हूँ. So in one I enter in the soft form of a mother. और दूसरे में कठोर रूप में प्रवेश करता हूँ. And in the other I enter in a strict form. इसलिए दिस इज वाई त्रिमूर्ति के चित्र में इनकी बैठक ही देखो कैसी दिखाई गई है. जस्ट लुक हाउ ही हैज बीन शोन टू बी सिटिंग इन द पिक्चर ऑफ त्रिमूर्ति. ब्रह्मा की बैठक लीनियंसी के रूप में दिखाई गई है. ब्रह्मा इज शोन टू बी सिटिंग लीनियंटली. और शंकर की बैठक स्ट्रिक्ट रूप दिखाया गया है. एंड शंकर हैज बीन शोन टू बी सिटिंग इन अ स्ट्रिक्ट फॉर्म. ये भी बताते हैं. ही ऑल्सो टेल्स अस कि ये पराया देश है. दैट
दिस इज एन एलियन प्लेस। पराए शरीर में इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। आई कम इन द एंड ऑफ मेनी बर्थ्स ऑफ दिस वन इन एन एलियन बॉडी। और कट जो चढ़ी हुई है वो कट तो कोई भी उतार नहीं सकता सिवाय एक सतगुरु के। एंड नोबडी एक्सेप्ट वन सतगुरु कैन रिमूव द कट दैट इज रस्ट दैट कवर्स अस। कट उतारने वाला एक ही गुरु है। देयर इज ओनली वन गुरु हु कैन रिमूव दैट रस्ट। बाकी तो सब नंबर वार झूठे हैं। द रेस्ट आर नंबर वाइज फॉल्स। उनको सतगुरु नहीं कह सकते। दे कैन नॉट बी कॉल्ड सतगुरु। वो बाप एब्सोल्यूटली पवित्र है। दैट फादर इज एब्सोल्यूटली प्योर। अपवित्रता का अंश मात्र भी नहीं है। देर इज नॉट इवन अ ट्रेस ऑफ इम्प्योरिटी। और ये बात भी तुम बच्चे समझते हो। एंड इट इज यू चिल्ड्रन हु अंडरस्टैंड इवन दिस। क्या? व्हाट? जो सन्मुख बैठे हुए तुम बच्चे जिनको कहा गया वो ही समझ सकते हैं। ओनली दोज हु आर सिटिंग फेस टू फेस दोज हु आर एड्रेस्ड एज यू चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड। जो बाप के बच्चे नहीं बनते दोज हु डू नॉट बिकम द फादर्स चिल्ड्रन। सन्मुख होकर नहीं रहते डू नॉट रिमेन फेस टू फेस। क्योंकि सन्मुख होना भी दो प्रकार का है। बिकॉज बीइंग फेस टू फेस इज ऑल्सो ऑफ टू काइंड्स। एक है देखने का सन्मुख। वन इज बीइंग फेस टू फेस इन अ विजिबल दैट इज फिजिकल सेंस। सामने बैठे हुए हैं। दे आर सिटिंग फेस टू फेस। और एक है अंदरूनी सन्मुख। एंड वन इज फेस टू फेस इंटरनली। अंदर से भी सन्मुख। फेस टू फेस इंटरनली टू। माने मन के संकल्पों में भी कोई विपरीत संकल्प नहीं चलता है। इट मीन्स दैट नो ऑपोजिट थॉट इज क्रिएटेड इवन इन द माइंड। संकल्प मात्र भी अगर विपरीत संकल्प चलते हैं इवन एट द लेवल ऑफ थॉट्स इफ ऑपोजिट थॉट्स अराइज तो इससे साबित होता है कि रामकृष्ण वाली आत्माओं के साथ पूर्व के 63 जन्मों में कहीं न कहीं विपरीत कर्म किए हैं। It proves that you have performed some opposite actions somewhere or the other in the past 63 births against the souls of Ram and Krishna. Abhi shooting ki reel ghoomti hai. Now the reel of the shooting is rotating. Us reel mein sabko apna apna pata pad jata hai. In that reel, everyone comes to know about himself. कि हमारे अंदर बाप के बरखिलाफ कितने संकल्प आते हैं। How far thoughts against the father emerge in my mind? कोई कोई तो विपरीत वाचा भी चला देते हैं। Some even speak words against the father. जिसके लिए बाप कहते हैं। For that the father says. कि श्रीमत के बरखिलाफ बात को तो रावण संप्रदाय समझो। The versions spoken against the Srimat should be considered as coming from the Ravan community. ऐसी बरखिलाफ बातें करने वाले राम संप्रदाय नहीं हो सकते। Those who speak such opposite words cannot belong to the Ram community. एक्ट करना ये तो और ही खराब हो गया। Performing opposite acts is much worser than that.
परंतु ये बातें बुद्धि में बिठाने के लिए टाइम चाहिए. बट इट रिक्वायर्स टाइम टू मेक दिस सिट इन समवन्स इंटेलेक्ट. तुम बच्चों को तो बाप सभी कुछ समझाए देते हैं. द फादर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग टू यू चिल्ड्रन. किन बच्चों को? विच चिल्ड्रन? तुम बच्चों माने जो अंदर बाहर से सन्मुख होकर बैठते हैं. यू चिल्ड्रन मीन्स दोज हु सिट फेस टू फेस इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली. बाप बच्चों को सब कुछ विल कर देते हैं. द फादर विल्स एवरीथिंग टू द चिल्ड्रन. ज्ञान का सागर है. He is an ocean of knowledge. तो ज्ञान की कोई भी पॉइंट अपने पास नहीं रखते. So he does not keep any point of knowledge with himself. शांति का सागर है. Even as an ocean of peace. तो भी पूरा अर्पण करते हैं. He surrenders everything. सारा विल कर देते हैं बच्चों को. He wills everything to the children. और सभी कुछ समझाते हैं. And he explains everything. बताते हैं कि इन पर पूरी कट चढ़ी हुई है. He tells us that these ones are completely covered by rust. इनमें ही आते हैं. He comes only in these ones. और पुरानी दुनिया में आते हैं. And he comes in an old world. इस पुरानी दुनिया में सभी पतित हैं. Everyone is sinful in this old world. ये भी बताते हैं. He even tells us this. परंतु सबसे जास्ती पतित कौन है? But who is the most sinful one? है? जो सबसे जास्ती पतित बनता है 63 जन्मों में. The one who becomes the most sinful one in 63 births. उसको कहते हैं बड़े ते बड़ा कामी कांटा. He is called the biggest lustful thorn. उसको ही आके बड़े ते बड़ा किंग फ्लावर कमल का फूल बनाते हैं. He comes and makes that very one the biggest king flower, the lotus flower. और यह बात बाप ही आकर के बतलाते हैं. And the father himself comes and tells us this. औरों में इतनी शक्ति नहीं है जो इतनी सच बात बता सके. Others do not have so much power to narrate truth to such an extent. मैं उस रथ में ही प्रवेश करता हूँ. I enter only in that chariot. उसे कह के दूर क्यों कर दिया? Why did he make him distant by using the word that chariot? है? जब वाणी बोल रहे थे तो इस रथ कहना चाहिए. When the vani was being narrated, he should have said this chariot. इस रथ का ये पार्ट नहीं है जो इतनी सच्चाई से बोल सके. It is not the part, meaning role, of this chariot to speak the truth to such an extent. मैं उस रथ में ही प्रवेश करता हूँ. I enter only in that chariot. जो सरेआम बाजार ये बोल देता है कि बड़े ते बड़े काम ही कांटे में शिव बाप आते हैं. Who publicly says that the father Shiv comes in the biggest lustful thorn. जिस रथ में आते हैं. The chariot in which he comes. वो सृष्टि के आदि में कल्प के आदि में हीरे जैसा था. Was like a diamond in the beginning of the creation. In the beginning of the kalp. अभी वो ही संग के रंग में आते आते कौड़ी जैसा बना है. Now the same chariot has become like a cowrie shell by being colored by the company. और जो कौड़ी जैसा बना है. And the one who has become like a shell. वो भले इस समय करोड़पति बन जाता है. It may well be that he becomes
अ करोड़पति मिलियनेयर एट दिस टाइम. परंतु बनाने वाला कौन है? बट हु इज द मेकर? और वो हद का करोड़पति बनाता है या बेहद का करोड़पति बनाता है? एंड डज ही मेक हिम अ मिलियनेयर इन अ लिमिटेड सेंस और डज ही मेक हिम अ मिलियनेयर इन एन अनलिमिटेड सेंस? बेहद ज्ञान रत्नों का करोड़पति है. ही इज अ मिलियनेयर ऑफ द अनलिमिटेड जेम्स ऑफ नॉलेज. हद का करोड़पति तो अल्पकाल के लिए बनते हैं. वी बिकम मिलियनेयर्स इन अ लिमिटेड सेंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड. जो भी हद के करोड़पति हैं वो सभी खलास हो जावेंगे. ऑल द मिलियनेयर्स इन अ लिमिटेड सेंस विल पेरिश. बर्थ पाउंड तो तुम बनते हो. इट इज यू हु बिकम वर्थ अ पाउंड. और तुम ही बाप के स्टूडेंट हो. एंड ओनली यू आर द फादर्स स्टूडेंट्स. तुम भी स्टूडेंट हो और ये भी स्टूडेंट है. यू आर स्टूडेंट्स एज वेल एज दिस वन इज अ स्टूडेंट. कौन? हु? ये ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है. तुम भी स्टूडेंट हो. दिस ब्रह्मा बाबा इज अ स्टूडेंट एज वेल एज यू आर स्टूडेंट्स. क्योंकि ये ब्रह्मा भी बहुत जन्मों के अंत में होने के कारण इस पर बहुत कट चढ़ी हुई है. बिकॉज ऑफ बींग इन द लास्ट बर्थ ऑफ मेनी बर्थ्स दिस ब्रह्मा इज ऑल्सो कवर्ड बाई अ लॉट ऑफ रस्ट. जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनमें ही बहुत कट चढ़ती है. दोज हु स्टडी वेरी वेल आर देमसेल्व्स कवर्ड बाई अ लॉट ऑफ रस्ट. समय समय का फेर है. इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. तो वही फिर सबसे जास्ती पतित बनते हैं. देन दे देमसेल्व्स बिकम मोस्ट सिंपल. उनको ही फिर पावन बनना है. दे देमसेल्व्स हैव टू बिकम प्योर अगेन. तो ये ड्रामा बना हुआ है. सो दिस ड्रामा हैज बीन मेड. ये कहते हैं. दिस वन सेज मैं ही हूँ जो सबसे जास्ती पावन बनता हूँ. आई एम द वन हु बिकम्स द प्योरेस्ट. फिर 84 जन्मों के बाद सबसे पतित भी बनता हूँ. देन आई ऑल्सो बिकम द मोस्ट सिंपल वन आफ्टर 84 बर्थ्स. तो बाप रियल बातें बताते हैं. सो द फादर टेल्स अस रियल थिंग्स. छुपाते कुछ भी नहीं है. ही डज नॉट हाइड एनीथिंग. क्योंकि बाप ही सत्य है. बिकॉज द फादर अलोन इज ट्रूथ. वो सत्य बाप दैट ट्रू फादर कब उल्टी बात नहीं बतलाते हैं. नेवर टेल्स अस एनीथिंग रॉन्ग. और ये सच्ची बातें भी मनुष्य तो समझ नहीं सकते. एंड पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड इवन दीज ट्रू थिंग्स. तुम बच्चों को पता पड़ जाता है कि ये सच्ची बात है. यू चिल्ड्रन कम टू नो दैट दिस इज द ट्रूथ. तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्यों को कैसे पता पड़े. हाउ कैन पीपल अदर देन यू नो. वो मनुष्य तो कहते हैं इनको ब्रह्मा कैसे कहते हो. दोज पीपल आस्क व्हाई डू यू कॉल दीज वंस ब्रह्मा. इनमें परमात्मा ने क्यों प्रवेश किया. व्हाई डिड द सुप्रीम सोल एंटर दीज वंस. ये बात अभी तुम समझते हो. नाउ यू अंडरस्टैंड दिस. क्यों प्रवेश किया. Why did he enter them? क्योंकि इनका ही हीरोइन का पार्ट है. Someone said, because they themselves play the part of hero and heroine. इसलिए प्रवेश किया कि जैसे हद की सृष्टि होती है. He has entered them because just as there is a world in a limited sense. तो बीज रूप बाप
बीजारोपण माँ के द्वारा ही करता है. द सीड फॉर्म फादर सोज द सीड थ्रू द हेल्प ऑफ द मदर ओनली. माँ ही बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है पहले. द मदर इज हर सेल्फ रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन फर्स्ट. तो गायन है भक्ति मार्ग में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव. सो इट इज फेमस इन द पाथ ऑफ भक्ति दैट त्वमेव माता च पिता त्वमेव. यू आर माई मदर एज वेल एज फादर. माता के पाठधारी में ही प्रवेश करना पड़े. एट फर्स्ट ही हैज टू एंटर द वन हु प्लेस द पार्ट ऑफ अ मदर. माता ही पहले बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है. इट इज द मदर हु इज रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन फर्स्ट. बाप तो प्रत्यक्ष नहीं होता. द फादर इज नॉट रिवील्ड. बच्चा जब बड़ा बने, सगीर हो, तो बाप को पहचाने. When the child grows up, when he attains adulthood, he can recognize the father. तो परमात्मा इनमें ही नंबर वार प्रवेश करते हैं. So, the supreme soul enters only these ones number wise. बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होने के लिए. To reveal himself before the children. और ये बात तुम बच्चे ही अभी समझते हो. And only you children understand this now. 26 जून 1968 की वाणी का चौथा पेज. The fourth page of the Vani dated 26th June 1968. ये भी जानते हो कि ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंचा. You also know that the Brahmin clan is the highest of all. कि देवता कुल ऊंचा है. Or is the deity clan the highest? ब्राह्मण कुल क्यों ऊंचा है? Why is the Brahmin clan the highest? ब्राह्मण तो दुखी भी होते हैं और ब्राह्मण सुखी भी होते हैं. Brahmins become sorrowful as well as happy. और ब्राह्मण तो नंबरवार भी होते हैं. And Brahmins are number wise as well. कोई कम कुरी के ब्राह्मण है. Some are Brahmins of a lower category. कोई पूरे 18 विश्वा के ब्राह्मण. And some are Brahmins who own a full 18 Biswa, that is measure of land area, Brahmins of higher category. लेकिन बोला कि तुम्हारा ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंचा. But it was said your Brahmin clan is the highest of all. तुम्हारा क्यों कहा? Why was it said your? क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं. It is because the father teaches you. जिनको बाप नहीं पढ़ाते. Those whom the father doesn't teach. वो माँ को ही बाप समझ लेते हैं. Consider the mother herself to be the father. परंतु माँ कोई रियल में बाप तो नहीं होती. But a mother is not a father in reality. रियल में तो तुम ब्राह्मण बनते हो पक्के. In reality, you become firm Brahmins. जो पक्के देवता बनते हैं 84 जन्म लेने वाले. Those who become firm deities, who take 84 births. और ब्राह्मण जीवन से ही कन्वर्ट होकर के पक्के देवता बन जाते हैं. And convert to become a firm deity in the Brahmin life itself. अगले जन्म में नहीं. Not in the next birth. इसी जन्म में नर से नारायण जैसे बनते हैं. They change from a man to Narayan in this very birth. तो तुम बाप के डायरेक्ट बच्चे हो गए ना. So you are the direct children of the father, aren't you? उनको डायरेक्ट बच्चे थोड़े ही कहेंगे. They will not be called the direct children. भले सतयुग का पहला नारायण है. Although he is the first Narayan of the golden age. वो godfather बाप का डायरेक्ट बच्चा थोड़े ही है. He is not the direct child of God the father. वो किसका बच्चा है? Whose child is he? वो तो नारायण का बच्चा है. He is the child of Narayan. देवता का बच्चा है. He is the child of a deity. तुम तो किसके बच्चे हो? Whose children are you? भगवान बाप के बच्चे हो. You are the children of God the father.
देवताओं को ऊंचे से ऊंचे नहीं कहा जाता है। डीटीज आर नॉट कॉल्ड द हाईएस्ट ऑन हाई। भगवान बाप तो ऊंचे से ऊंचे है। गॉड द फादर इज इंडीड द हाईएस्ट ऑन हाई। तो तुम रूहानी बाप के बच्चे हो। यू आर चिल्ड्रन ऑफ द स्पिरिचुअल फादर। बाकी तो सब है जिस्मानी। ऑल द रिमेनिंग वंस आर फिजिकल फादर्स। क्योंकि 84 जन्म में सब जिस्म धारण करते हैं। बिकॉज एवरीवन टेक्स बॉडीज इन द 84 बर्थ्स। तो बाप उन रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। सो द फादर टीचेस दोस स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। जिनको बाप बच्चे बच्चे कह करके बैठ पढ़ाते हैं। होम द फादर एड्रेसेस एज चिल्ड्रन एंड टीचर्स। जिनको पढ़ाते नहीं है सन्मुख, उनको बच्चे कैसे कहेंगे, मेरे बच्चे। हाउ कैन दोस हु आर नॉट टॉट फेस टू फेस बी कॉल्ड चिल्ड्रन माई चिल्ड्रन। क्योंकि वो तो बाप को पहचानते ही नहीं है। बिकॉज दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द फादर एट ऑल। तुम बच्चे तो श्रीमत पर चलते रहते हो। यू चिल्ड्रन कीप फॉलोइंग द श्रीमत। श्री से कहा ही जाता है बाप को। द फादर हिमसेल्फ इज रिफर्ड टू एज श्री श्री। तुम बाप को पहचानते हो तो उनकी मत को मानते हो। यू रिकॉग्नाइज द फादर सो यू एक्सेप्ट हिज ओपिनियन। शिव बाबा इसमें बैठ करके मनवाते रहते हैं। शिव बाबा सिट्स इन दिस वन एंड मेक्स यू एक्सेप्ट हिज ओपिनियन। क्या मनवाते रहते हैं? व्हाट डज ही मेक यू एक्सेप्ट? श्रीमत की बात तुम बच्चों को समझा करके मनवाते रहते हैं, कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। He explains the Srimad to you children and makes you accept it. There is no question of compulsion in it. ओ बाप तो करनहार भी है और करावनहार भी है। The father is the doer, karanhar as well as the one who makes the others do the tasks, karavanhar. जो भी करते हैं वो सत्य करते हैं। Whatever he does is true. कल्याणकारी करते हैं। Benevolent. इसलिए उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। This is why he is called सत्यम शिवम सुंदरम. और बच्चों से कराते भी हैं। And he also enables the children to perform actions. कुछ खुद करते हैं और कुछ कराते भी हैं। He himself performs actions to some extent and also makes the children do actions to some extent. खुद किसके द्वारा करते हैं? Through whom does he do them, the actions, himself? ब्रह्मा द्वारा खुद करते हैं। He himself acts through Brahma. और कराते किसके द्वारा है? And through whom does he have them done? शंकर स्वरूप के द्वारा कराने वाले भी खुद हैं। He himself has them done through the form of Shankar. वो डायरेक्ट स्वरूप है बाप का। He is the direct form of the father. वो इनडायरेक्ट स्वरूप है माँ का। He, Brahma, is an indirect form of the mother. बाकी प्रैक्टिकल में तुम अभी समझते हो। As for the rest, it is you who understand now practically. वो बच्चे Those children जो सन्मुख नहीं है, who are not face to face, वो समझते नहीं है, do not understand the knowledge. समझ को ज्ञान कहा जाता है। Understanding is called knowledge. इसलिए बाप कहते हैं, this is why the father says, ज्ञानी तू आत्मा बच्चे मुझे विशेष प्रिय हैं। I especially like the knowledgeable children. तो प्रैक्टिकल में तुम ही समझते हो, दूसरी की तो कोई चीज है ही नहीं। सो ओनली यू अंडरस्टैंड इट इन प्रैक्टिकल, इट इज नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू अदर्स। और शरीर तो पुराना ही लेना है। एंड द बॉडी दैट इज टू बी अडॉप्टेड इज इंडीड ओल्ड। क्योंकि वनवासी है। बिकॉज ही इज अ फॉरेस्ट ड्वेलर, वनवासी। और तुम भी वनवासी हो। And you are also forest dwellers.
उन्होंने शास्त्रों में दिखाया हुआ है. दे हैव शोन दिस इन द स्क्रिप्चर्स. चाहे महाभारत हो, वेदर इट इज द महाभारत, चाहे रामायण हो, वेदर इट इज द रामायण, कि राम को वनवास हुआ. इट इज शोन दैट राम हैड टू स्टे इन द फॉरेस्ट. पांडवों को वनवास हुआ. द पांडव्स हैड टू स्टे इन द फॉरेस्ट. तो तुम वानप्रस्थ में जाने वाले हो ना. सो यू आर द वंस हु गो इनटू वानप्रस्थ, मीनिंग स्टेज ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ टू लिव इन अ फॉरेस्ट, आरंट यू. वानप्रस्थी कहो वा वनवासी कहो, कॉल योर सेल्फ वानप्रस्थी और कॉल योर सेल्फ वनवासी. बात एक ही है. इट इज वन एंड द सेम. क्योंकि वानप्रस्थ में ही वाणी से परे जाकर के वास करना होता है. बिकॉज इट इज ओनली इन द वानप्रस्थ स्टेज दैट यू हैव टू गो एंड लिव बियॉन्ड द स्टेज ऑफ स्पीच. इसलिए तुम वनवासी हो. दिस इज व्हाई यू आर वनवासी. कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो तुम एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हो. इफ समवन स्पीक्स रबिश यू लिसन थ्रू वन ईयर एंड लिव इट थ्रू द अदर. सुना अनसुना कर देते हो, जैसे कि हमने सुना ही नहीं. यू डोंट लिसन इवन ऑन लिसनिंग. यू एक्ट एज इफ यू डिडंट हियर एट ऑल. वनवासी हो ना. यू आर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, आरंट यू. शादी होती है तो भी वनवास में बैठते हैं. इवन वन समवन इज मैरिड दे सिट लाइक इन अ फॉरेस्ट. वनवा में बैठते हैं ना. दे सिट इन वनवा, डोंट दे. इट इज अ पार्ट ऑफ द कस्टम ऑफ मैरिज दैट बिफोर हर वेडिंग द ब्राइड इज मेड टू वेयर ओल्ड क्लोथ्स एंड स्टे वेरी सिंपल लाइक अ पर्सन स्टेइंग इन फॉरेस्ट. जाना तो चाहिए स्वर्ग में. इन फैक्ट दे शुड गो टू हेवन. वनवास में बैठने के बाद, आफ्टर सिटिंग इन वनवास, जब शादी होती है तो बाद में जाना चाहिए स्वर्ग में. वेन दे आर मैरिड दे शुड गो टू हेवन. सुख की दुनिया में जाना चाहिए. दे शुड गो टू अ वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस. परंतु वह तो और ही नरक में गिर जाते हैं. बट दे फॉल डीपर इन टू हेल. भले कोई बड़े बड़े घर के होते हैं, ऑल्दो सम बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ हाई स्टेटस, उनको भी पुराने कपड़े आदि पहना करके वनवास में बिठाते हैं. दे टू आर मेड टू वेयर ओल्ड क्लोथ्स एंड मेड टू सिट लाइक इन अ फॉरेस्ट. वनवा में बिठाते हैं ना शादी से पहले. दे आर मेड टू सिट इन वनवा बिफोर मैरिज, आरंट दे. तो ये भी तुम जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले बड़े बड़े आदमी हो. सो यू टू आर ग्रेट पर्सनैलिटीज हु आर गोइंग टू बिकम किंग्स फॉर मेनी बर्थ्स. तुमको स्वर्ग में जाने से पहले वनवास में बिठाते हैं. यू आर मेड टू लीड अ फॉरेस्ट लाइफ बिफोर गोइंग टू हेवन. जंगल में जाने वाले को वनवासी कहते हैं. द वन हु गोज टू अ जंगल इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट ड्वेलर. जंगल में तो कांटे ही कांटे होते हैं कि फूल होते हैं. आर देर जस्ट थॉर्न्स इन अ जंगल और आर देर फ्लावर्स. कांटे ही कांटे, फूल बहुत कम. देर आर जस्ट थॉर्न्स एंड वेरी फ्यू फ्लावर्स. तो बाप क्लियर करके समझाते हैं. सो द फादर एक्सप्लेन्स क्लियरली कि वो जो शादी रचते हैं, साधमाना करते हैं, वो कहाँ ले जाते हैं. वेयर डू दोस हु परफॉर्म मैरिजेस ऑर्गेनाइज फंक्शंस टेक यू. और तुम कहाँ जाते हो. एंड वेयर डू यू गो. तो देखो बाप समझाते कैसे हैं. सो लुक द फादर एक्सप्लेन्स इन सच अ वे. और यही समझने की मुश्किल आते हैं. एंड दिस इज द डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड. आत्मा बोल रही है. द सोल इज स्पीकिंग. तो आत्मा किस में बोलेगी. सो हाउ विल द सोल स्पीक. स्पीकर में बोलेगी क्या. विल इट स्पीक थ्रू द स्पीकर दैट इज माइक.
जानवर आदमी तो बोल नहीं सकती, इट कैन नॉट स्पीक थ्रू एन एनिमल एटसेट्रा, मनुष्य में ही आकर के बोलेंगे, ही विल स्पीक ओनली बाय कमिंग इन अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में आकर के क्यों बोलेंगे, व्हाई विल ही स्पीक बाय कमिंग इन अ ह्यूमन बीइंग, जानवर आवाज नहीं करते हैं क्या, डोंट द एनिमल्स मेक साउंड, आवाज तो करते हैं, दे डू मेक साउंड, लेकिन जानवरों को मन बुद्धि नहीं होती और मनुष्यों को तो मन बुद्धि होती है, समझने के लिए, सोचने के लिए, मंथन करने के लिए, बट एनिमल्स डू नॉट हैव अ माइंड एंड एन इंटेलेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स हैव अ माइंड एंड एन इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड टू थिंक एंड टू चर्न, जो बात सोच समझ के धारण की जाती है उसमें सफलता मिलती है, एनी थिंग विच इज एसिमिलेटेड आफ्टर थिंकिंग एंड चर्निंग लीड्स टू सक्सेस, तो बाप जानवरों में थोड़े ही प्रवेश करेंगे, सो द फादर वोंट एंटर एनिमल्स, उन्होंने तो शिव के मंदिर में बैल दिखाई दिया है, दे हैव डिपिक्टेड ए बुल इन द टेम्पल ऑफ शिव, बैल तो जानवर होता है, द बुल इज एन एनिमल, बाप जानवर में आवेंगे समझाने के लिए क्या, विल द फादर कम इन एन एनिमल टू एक्सप्लेन, बाप खुद कहते हैं, द फादर हिमसेल्फ सेज, मैं एब्सोल्युटली क्लियर हूँ, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर, मेरे में कोई प्रकार की खाद नहीं है, देर इज नो काइंड ऑफ एलॉय इन मी, कोई विकार नहीं है, देर इज नो वाइस, और मैं सदैव पवित्र हूँ, एंड आई एम ऑलवेज प्योर, जिन में आता हूँ प्रवेश करता हूँ उनके लिए नहीं कह सकते कि वो सदैव क्लियर है, सदैव पवित्र है, इट कैन नॉट बी सेड अबाउट द वन इन हुम आई कम, द वन इन हुम आई एंटर, दैट ही इज ऑलवेज क्लियर, दैट ही इज ऑलवेज प्योर, हाँ यस, उनको आकर के अपवित्र से पवित्र बनाता हूँ, आई कम एंड ट्रांसफॉर्म हिम फ्रॉम एन इम्प्योर वन टू अ प्योर वन, जिसके लिए तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन बाप आओ, फॉर विच यू कॉल मी ओ प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस कम, बाकी मैं सारे विश्व का सुनार हूँ, वेल आई एम द गोल्ड स्मिथ फॉर द एंटायर वर्ल्ड, जो भी मनुष्य मात्र है, जो भी प्राणी मात्र है, जो भी शरीरधारी है, ऑल द ह्यूमन बींग्स, ऑल द लिविंग बींग्स, ऑल द बॉडी बींग्स, सब में धातु मिक्स हो गई है, हैव बीन पोल्यूटेड विद अलॉय, जैसे प्योर सोने में चांदी की खाद, तांबे की खाद, लोहे की खाद डालते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल द अलॉय ऑफ सिल्वर, द अलॉय ऑफ कॉपर, द अलॉय ऑफ आयरन इज मिक्स्ड विद प्योर गोल्ड, इजंट इट, ऐसे ही सबके शरीर विकारी हो गए हैं, सिमिलरली एवरीवन्स बॉडीज हैव बिकम विशियस, आत्मा भी विकारी और शरीर भी विकारी बन गए, द सोल्स एज वेल एज द बॉडीज हैव बिकम विशियस, अभी मैं आत्मा को बिल्कुल पवित्र बनाए देता हूँ, नाउ आई मेक द सोल कम्प्लीटली प्योर, तो मैं पक्का सुनार हूँ, सो आई एम अ स्किल्ड गोल्ड स्मिथ, पक्का सुनार, और धोबी भी हूँ, एंड आई एम अ वॉशरमैन, धोबी एज वेल, धोबी क्या करता है, वॉट डज अ वॉशरमैन डू, अरे धोबी कपड़े धोता है, अरे अ वॉशरमैन वॉशेस क्लोथ्स, अभी तुम आत्मा को समझ गए हो, नाउ यू हैव अंडरस्टूड द सोल, वो धोबी जो होते हैं वो तो स्थूल शरीर के कपड़ों को धोते हैं, Those washermen wash the clothes of the physical body. मैं तो ऐसा धोबी हूँ, I am such a washerman, जो तुम्हारी आत्मा का 84 जन्म का पतित से पतितमो प्रधान कपड़ा है उसको भी धो करके जाता हूँ, Who washes even the most sinful and degraded cloth of the 84 birth of the soul. इसे एक ही जन्म में
तुम्हारा कपड़ा सतो प्रधान बनाई देता हूँ। आई मेक योर क्लॉथ प्योर इन दिस बर्थ इटसेल्फ। ऐसे नहीं कहते कि अगले जन्म में कपड़ा धोकर दे दूंगा। आई डू नॉट से दैट आई विल वॉश योर क्लॉथ इन द नेक्स्ट बर्थ। ऐसी पढ़ाई भी नहीं पढ़ाते। आई डू नॉट इवन टीच सच नॉलेज। पढ़ने वाले स्टूडेंट कोई ऐसे कहेंगे कि यहाँ इस जन्म में पढ़ेंगे और अगले जन्म में ऊंच पद पावेंगे। विल स्टूडेंट्स से वी विल स्टडी हियर इन दिस बर्थ एंड अचीव अ हाई पोस्ट इन द नेक्स्ट बर्थ। कोई धोबी को मानेगा जो धोबी ये कहे कि कपड़े छोड़ जाओ अगले जन्म में तुम्हें नया कपड़ा मिल जाएगा। विल एनीवन बिलीव अ वॉशरमैन इफ द वॉशरमैन सेज लीव योर क्लोथ्स यू विल गेट न्यू क्लोथ्स इन द नेक्स्ट बर्थ। तो बाप पक्का धोबी है। सो द फादर इज अ स्किल्ड वॉशरमैन। अभी तुम्हारी आत्मा समझ गई है, तुम तो डायरेक्ट नरसिंहनारायण जैसे बनते हो। नाउ योर सोल हैज अंडरस्टूड दैट यू चेंज डायरेक्टली फ्रॉम अ मैन टू नारायण। तो शरीर भी तुमको पवित्र मिलता है। सो यू ऑल्सो गेट अ प्योर बॉडी। और इसी जन्म में इसी दुनिया में तुमको ये पवित्रता धारण करनी है। एंड यू हैव टू इनकलकेट प्योरिटी इन दिस बर्थ इटसेल्फ इन दिस वर्ल्ड इटसेल्फ। ये पांच तत्वों का चोला अभी इसी जन्म में पवित्र बनाना है। द बॉडी ऑफ फाइव एलिमेंट्स हैज टू बी मेड प्योर नाउ इन दिस बर्थ इटसेल्फ। नहीं तो विश्व परिवर्तनकारी कैसे कहे जावेंगे। अदरवाइज हाउ कैन यू बी कॉल्ड वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मर्स। ये तो जानते हो कि आत्मा ही सभी बातें ग्रहण करती है। यू नो दैट इट इज द सोल दैट एब्सॉर्ब्स ऑल द थिंग्स। सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक आत्मा ही पार्ट बजाती है। इट इज द सोल दैट प्लेस इट्स पार्ट फ्रॉम द गोल्डन एज टू द एंड ऑफ द आयरन एज। तो रंगमंच पर भिन्न भिन्न कपड़े धारण करती है। सो इट टेक्स डिफरेंट क्लोथ्स मीनिंग बॉडीज ऑन द स्टेज। तुमने 84 जन्मों में 84 कपड़े धारण किए। यू हैव टेकन 84 क्लोथ्स मीनिंग बॉडीज इन 84 बर्थ्स। 84 जन्मों का पार्ट है ना। देर इज अ पार्ट ऑफ 84 बर्थ्स इजंट देयर। तो जितनी आत्मा पवित्र है उतना शरीर भी पवित्र मिलता है। सो दे गेट अ प्योर बॉडी टू द सेम एक्सटेंट दैट आवर सोल इज प्योर। आत्मा की पवित्रता के ऊपर सारा मदार है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्योरिटी ऑफ द सोल। ये सभी बातें बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं। द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स ऑल दीज थिंग्स टू द चिल्ड्रन। परंतु इन बातों को समझने के लिए टाइम तो चाहिए ना। बट टाइम इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इजंट इट। जम दे जाम दे तो नहीं हो सकता। यू कैनॉट रूल एज सुन एज यू आर बॉर्न। हथेली पर आम तो नहीं उगाया जा सकता। ट्रीज कैनॉट बी ग्रोन ऑन द पाम। प्रदर्शनी में कोई थोड़े समय के लिए आवेंगे। पीपल विल कम टू द एग्जीबिशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो वो क्या समझेंगे। सो वॉट विल दे अंडरस्टैंड। इसमें तो फुर्सत का टाइम चाहिए। लीजर टाइम इज रिक्वायर्ड इन दिस। आकर के समझे। दे शुड कम एंड अंडरस्टैंड कि मनुष्य से देवता विश्व का मालिक कैसे बन सकते हैं। हाउ दे कैन चेंज फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग टू अ डीटी और बिकम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। जो आज तक कोई ने भी नहीं बनाया वो भगवान बाप आकर के कैसे बनाते हैं। हाउ गॉड द फादर कम्स एंड मेक्स व्हाट नोबडी एल्स मेड टिल टुडे। बाप कहते हैं। द फादर सेज हे आत्मा अभी इस अंतिम जन्म में तुम पवित्र नहीं हो। ओ सोल्स यू आर नॉट प्योर इन दिस लास्ट बर्थ। तब तो 63 जन्मों में तुम पवित्र बनने के लिए बुलाते रहे। ओनली देन हैव यू बीन कॉलिंग मी इन द पास्ट 63 बर्थ्स टू बिकम प्योर। अभी फिर तुमको पवित्र बनना है। नाउ यू हैव टू बिकम प्योर वंस अगेन। और ये बात
बाप ही बच्चे बच्चे कह करके समझाते हैं. एंड ओनली द फादर एक्सप्लेन्स दीज थिंग्स बाय एड्रेसिंग यू एज चिल्ड्रन. तुम तो कोई को बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे ना. यू वॉन्ट एड्रेस एनी वन एज अ चाइल्ड विल यू. क्योंकि तुम तो आपस में भाई भाई हो. बिकॉज यू आर ब्रदर्स अमंगस्ट योर सेल्व्स. बाप बच्चे बच्चे कह करके बात करेंगे. द फादर विल टॉक बाय एड्रेसिंग यू एज चिल्ड्रन. तो बच्चों को बाबा का झट तीर लग जाएगा. सो बाबाज एरो विल हिट द चिल्ड्रन इमीडिएटली. बाप ही बच्चों को कह सकते हैं कि तुमको लज्जा नहीं आती है. ओनली द फादर कैन टेल द चिल्ड्रन डोंट यू फील अशेम्ड. इतना समझाने के बावजूद भी तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो. डिस्पाइट एक्सप्लेनिंग सो मच कांट यू रिमेम्बर द फादर. योग योग अक्षर कहते रहते हो. यू कीप अटरिंग द वर्ड योग. तो बाबा समझ जाते हैं. सो बाबा अंडरस्टैंड्स. ये तो अभी ज्ञान में बहुत कच्चे हैं. दैट दे चिल्ड्रन आर स्टिल वेरी वीक इन नॉलेज. योग कहने से कच्चे कैसे. अरे हाउ कैन दे बी वीक जस्ट बाय अटरिंग द वर्ड योग. योग समझ की बात है या याद समझ की बात है. इज द वर्ड योग समथिंग टू बी अंडरस्टूड और इज द वर्ड याद समथिंग टू बी अंडरस्टूड. क्यों. समवन सेड याद. व्हाई. याद उसको किया जाता है जिसको कभी अनुभव किया जाता है. समवन विथ हुम यू हैव हैड एन एक्सपीरियंस इज रिमेम्बर्ड. आंखों से देखा है कानों से सुना है. Someone whom you have seen through the eyes, heard through the ears. हाथों से स्पर्श किया है. Touched through the hands. तो इंद्रियों से जो अनुभव किया जाता है वो याद आता है ना. So whatever is experienced through the organs is remembered, isn't it? कि उसे योग कहेंगे. Or will it be called योग. है. आंखों से जो देखते हैं तो कोई कहता है हमको योग लग गया. आफ्टर सीइंग समथिंग डज एनीवन से दैट ही हैज बीन इन योग. ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं. दीज आर प्रैक्टिकल इश्यूज. और ये प्रैक्टिकल जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो. एंड यू हैव बीन डूइंग दिस इन प्रैक्टिस फॉर मेनी बर्थ्स. बच्चा पैदा होता है माँ की गोद में पलता है तो माँ को ही याद करता है. A child is born. When he grows up in the mother's lap, he remembers the mother only. बड़ा होता है बाहर निकलता है संगी साथियों के खेत साथ खेलता है. When he grows up, comes out of the house, plays with the friends. तो रात दिन उनके ही सपने आते हैं. He sees them in his dreams day and night. संगी साथियों को याद करता है. He remembers his friends. और बड़ा होता है स्कूल में जाता है कॉलेज में जाता है. एंड व्हेन ही ग्रोस अप फर्दर ही गोस टू स्कूल ही गोस टू कॉलेज. तो टीचर्स याद आते हैं. ही रिमेम्बर्स द टीचर्स. शादी हो जाती है. व्हेन ही गेट्स मैरिड. तो साथ ही याद आता है. ही रिमेम्बर्स हिज कंपेनियन. याद आता है यही तो अनुभूति होती है ना. ही रिमेम्बर्स देम ऑल दोस पीपल. This is the experience he has, isn't it? ये तो नहीं कहता कि योग लग गया. He does not say that he has established योग. तो बच्चे योग योग अक्षर क्यों कहते रहते हैं. So why do children keep uttering the word योग. ये तो सन्यासियों का शब्द है. This is the word of sannyasis. क्या. योग. What? योग. उनका तो ज्ञान ही इम्प्रैक्टिकल है. Their knowledge itself is impractical. और बाप का ज्ञान तो practical है समझने की चीज है. And the father's knowledge is practical. It is something to understand. योग अक्षर सन्यासियों आदि का सुना हुआ है. The word योग has been heard from sannyasis etc. वो तो हठ योगी है जो योग आदि लगाते रहते हैं. They are hatha yogis. Meaning those who perform rigorous
physical exercises, who keep doing yoga, that is asanas, etc. Unka to sharirik yog hai. Theirs is a physical yog. Yahan to baap ko yaad karna hai. Here you have to remember the father. Sharir to yaad nahi karta. The body does not remember. Yaad karne wali kaun hai? Atma hai na. Who remembers? It is the soul, isn't it? Kahenge falana teacher humko padhata hai. People say that teacher teaches us. To wo teacher yaad aata hai na. So the teacher comes to the mind, doesn't he? Yahan tumko padhane wala teacher kaun hai? Who is your teacher here? Jisme pravesh karte hain wo dehdhari padhane wala hai. Does the bodily being in whom he enters teach you? Ye padhane wali atma hai. Or does the soul which has entered teach you? पढ़ाने वाली तो आत्मा है. The teacher is the soul. जिसमें प्रवेश करते हैं वो तो खुद ही पढ़ने वाला है. The one in whom he enters is himself a student. तो टीचर याद रहता है. So the teacher remains in the mind. कोई नहीं कहता होगा कि हमारा टीचर के साथ योग है. Nobody would say I have yoga with the teacher. भारत में योग के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं. People rack their brains a lot for yoga in India. तुमसे भी पूछते हैं. People ask you as well. कुछ आइडिया बताओ. Give us some idea to do yoga. युक्ति बताओ. Tell us some method. अब ब्रह्मा कुमारियों से डरते भी बहुत हैं. Well, people also fear the Brahma Kumaris a lot. क्योंकि तुम मौत ही मौत चिल्लाती रहती हो. Because you keep shouting only about death. मौत आया कि मौत आया, विनाश होने वाला है. Death is about to come. Destruction is about to take place. तुम तो जानते हो कि हम तो बाबा के पास मरने के लिए जाते हैं. You know that we go to Baba to die. बाबा हमको मरना सिखाते हैं. Baba teaches us to die. मरना कौन चाहता है? Who wants to die? मरना माने देहभान छोड़ना. Dying means leaving body consciousness. आत्माओं को अपना शरीर छोड़ करके घर जाना है. Souls have to leave their body and go home. तो मरना सीखना पड़े ना. So you have to learn to die, shouldn't you? शरीर छोड़ करके घर जावेंगे. Will you go home after leaving the body? या शरीर रहते रहते ही ऐसी स्टेज को पाना है. Or do you have to achieve such a stage while being in the body itself? है? शरीर रहते रहते ही जो ऐसी स्टेज को पावेंगे वो ही परमधाम को इस सृष्टि पर उतारेंगे. Only those who achieve this stage while being in the body will bring the supreme abode to this world. नहीं तो इस शरीर में आत्मा के रहते रहते परमधाम की और सुखधाम की स्टेज का अनुभव नहीं कर सकेंगे. Otherwise, they cannot experience the stage of the supreme abode and the stage of the abode of happiness while the soul is present in the body. तो बाप आते ही हैं मौत देने के लिए. So the father comes only to give death. वो सन्यासी लोग तो ऐसी शिक्षा दे ही नहीं सकते. Those sannyasis cannot give such teaching at all. कि मौत किसको पसंद आ जावे. That people may start liking death. ये तो बड़ी मुश्किल बात है. It is a very difficult thing. तुम अभी कोशिश करते हो कि हम जल्दी जल्दी जावे अपने परम धाम. Now you try to go to your supreme abode soon. परंतु अभी जा नहीं सकते हो सिवाय कर्मातीत अवस्था के. But you cannot go now without achieving the कर्मातीत stage, meaning stage beyond the effect of actions. बुद्धि में कर्मातीत अवस्था को पा करके हम घर जावेंगे. We will go home after achieving the karmatit stage in the intellect. क्योंकि 63 जन्म हम भटके हैं. Because
वी हैव वॉन्डर्ड फॉर 63 बर्थ्स। अभी हम जल्दी घर जावे। नाउ वी शुड गो होम फास्ट। हमारे सिर पर 63 जन्मों के पापों का बोझा बहुत है। देयर इज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑफ सिंस ऑफ 63 बर्थ्स ऑन आवर हेड। तो जितना याद करेंगे, सो द मोर वी रिमेम्बर गॉड, उतना बोझा उतरेगा। द मोर वी विल बी रिलीव्ड ऑफ द बर्डन। आत्मा की कट उतरती जाएगी ना। द कट दैट इज रस्ट ऑफ द सोल विल कंटिन्यू टू बी रिमूव्ड, विल इट नॉट। तो पक्का समझ लो, सो अंडरस्टैंड फॉर श्योर, कि ज्ञान में आने के बाद, दैट आफ्टर एंटरिंग द पाथ ऑफ नॉलेज, बाप को पहचानने के बाद, आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द फादर, अगर कोई पाप कर्म किया, इफ यू कमिट एनी सिन, तो फिर उसका 100 गुना दंड हो जाता है। देन यू विल अक्यूमुलेट 100 टाइम्स पनिशमेंट। 63 जन्मों में तो जो पाप करते थे, इन केस ऑफ सिंस दैट यू यूज्ड टू कमिट इन द 63 बर्थ्स, उसका 1 गुना ही पाप चढ़ता था। यू यूज्ड टू अक्यूमुलेट ओनली 1 टाइम सिन। और बाप को पहचानने के बाद, एंड आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द फादर, अंजाम करने के बाद, आफ्टर मेकिंग अ प्रोमिस, अगर पाप करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ता है। इफ यू कमिट सिंस देन यू विल अक्यूमुलेट 100 टाइम्स पनिशमेंट। अगर ऐसे पाप करते रहे, इफ यू कंटिन्यू टू कमिट सच सिंस, तो ज्यादा बोझ 63 जन्मों का कहा जाएगा या इसे 1 जन्म का कहा जाएगा? देन विल यू बी सेट टू बी कैरिंग मोर बर्डन्स ऑफ द 63 बर्थ्स और ऑफ दिस 1 बर्थ, क्योंकि यहाँ तो 100 गुना चढ़ जाता है। बिकॉज हियर यू अक्यूमुलेट 100 टाइम्स पनिशमेंट। तुम कहते तो हो कि हमको इस ईश्वरीय पढ़ाई से यह लक्ष्मी नारायण बनना है। यू डू से वी हैव टू बिकम दिस लक्ष्मी नारायण थ्रू दिस स्टडी ऑफ गॉड। वो लोग तो तुम्हारी बात सुन करके कह देते हैं ये तुम्हारी कल्पना है। आफ्टर लिसनिंग टू योर वर्ड्स दोज पीपल से दैट दिस इज योर इमेजिनेशन। ऐसे क्यों कह देते हैं? व्हाई डू दे से सो? है दुनिया हमारी बातों को क्यों नहीं मानती? व्हाई डजंट द वर्ल्ड बिलीव आवर वर्ड्स? क्योंकि दुनिया वालों को हमारी कथनी और करनी में फर्क दिखाई देता है। बिकॉज पीपल ऑफ द वर्ल्ड सी अ डिफरेंस बिटवीन आवर वर्ड्स एंड आवर एक्शंस। तुम बोलते भी हो, अरे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आदि बनते हैं तो ये कोई कल्पना है क्या? यू ऑल्सो से अरे when someone becomes a prime minister, a president, etc., then is it imagination? Padhai se hi to bante hain. They become that only through studies, don't they? Ye bhi ishwariya padhai hai. This is also a study, a divine study from God. Hum bhi ishwariya padhai padh rahe hain. We too are studying the divine knowledge. To hum kyon nahi Narasimha Narayan jaise banenge? So why will we not be transformed from a man to Narayan? लेकिन एक होता है पढ़ना। But one is to study. समझना, मानना। To understand, to believe. और practical जीवन में धारण करना, चलना। And to implement it, to follow it in the practical life. एक होता है पढ़ना पढ़ाना तो बहुत। One is to study and teach a lot. लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में 0। बट वॉट अबाउट द प्रैक्टिकल लाइफ? 0। तो उस दुनिया की पढ़ाई में तो ऐसा हो सकता है। सो इट कैन बी पॉसिबल इन द स्टडीज ऑफ दैट आउटसाइड वर्ल्ड। यहाँ तो कथनी में और करनी में एक बनना पड़े। बट हियर यू हैव टू रिमेन द सेम इन योर वर्ड्स एंड एक्शंस। ये सृष्टि का चक्र भी फिरता है। This world cycle also rotates. ये कोई कल्पना थोड़ी है। This is not imagination. University में पढ़ते हैं, क्या ये कल्पना है? People study at a university. Is it imagination? ऐसे बहुत अक्षर बोलते हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते। They utter many words which they cannot understand themselves. कि कल्पना का अर्थ क्या है? What is meant by imagination? जो बुद्धि में आया वो बना दिया।
दे मेट वट एवर केम टू देयर इंटेलेक्ट. तो देखो ऐसे ऐसे भी आते हैं, अब उनसे हम क्या बात करें. सो लुक सच पीपल ऑल्सो कम, वेल वॉट कैन वी टॉक टू देम. बाप कोई से गुस्सा भी तो नहीं कर सकते. द फादर कैन नॉट इवन बिकम एंग्री विथ एनी वन. अगर गुस्सा करते हैं तो बाप की निंदा करेंगे. इफ ही बिकम्स एंग्री विथ समवन दे विल डिफेम द फादर. इनको भी डर रहता है. दीज वंस ऑल्सो फियर. किनको? हु? रामकृष्ण की आत्माओं को भी डर रहता है. द सोल्स ऑफ राम एंड कृष्णा ऑल्सो फियर. कि जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और बच्चे भी करने लग पड़ेंगे. वट एवर एक्शन आई परफॉर्म अदर चिल्ड्रन विल ऑल्सो सी मी एंड स्टार्ट फॉलोइंग इट. मैं क्रोध करूंगा तो और बच्चे भी मुझे देख करके ऐसे करेंगे. इफ आई बिकम एंग्री देन अदर चिल्ड्रन विल ऑल्सो ऑब्जर्व मी एंड एक्ट सिमिलरली. तो तुमको भी ये बात समझनी है फिर समझानी है. सो यू टू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन एक्सप्लेन. अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग नमस्ते. ओके गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू द चिल्ड्रन. ओम शांति.